एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक श्री राजेंद्र कुमार राणू पिछले दिने अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे होए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच मिसिस मधु राणी, पूजा राणू, अमित राणू, मीनाक्षी राणू, शिवानी राणू, विनीत राणू, सुमित राणू, निश्चय, दिव्यांश, दानिश, हूर, नूर अते उना दे समूह परिवार वल्लों पावड़ी धर्मशाला जलंधर कैंट विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे चानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दरसाए मार्ग ते चलण दी सिख्या दित्ती। श्री राजेंद्र कुमार राणू जी दा जन्म पिता श्री गुरदीप चंद जी दे घर माता श्रीमती राम प्यारी जी दी कुखों चक पिंड जलंधर विखे 1950 विच होया। आप जी बचपन तों ही बहुत ही सुगट सियाणे अते होणहार प्रतिभा दे मालिक सन। आप जी ने ग्रेजुएशन करन उपरंत ITI दा डिप्लोमा हासिल कीता। उपरंत आप जी ने लंबा समा पहला रेडियो विच अते फिर जलंधर दूरदर्शन विच अपनियां सेवावां निभाईयां। आप जी दा व्याह सन 1978 विच श्रीमती मधु राणी जी हुणा नाल होया। व्याह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बच्चियां पूजा राणू, अमित राणू, शिवानी राणू अते सुमित राणू ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे बच्चे आप जी दे नक्शे कदमां ते चल के आप जी दे नाम नूं उच्चियां चुक रहे हन। श्री राजेंद्र कुमार जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। आप जी सनातन धर्म नाल जुड़े हुए सन अते रामलीला विच आप जी हमेशा ही रावण दी भूमिका दे रूप विच नजर आउंदे। श्री राजेंद्र कुमार जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभा दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही हो के रह जांदा सी। लोड़वंदां दी सहायता श्री राणू तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। श्री राजेंद्र कुमार जी दी फुलवाड़ी इस समय निश्चय, दिव्यांश, दानिश, हूर अते नूर नाल महक रही है। चाहे वह कोई भी हो,
जाना चाहिए, जिसने जन्म लिया धरती के धरा पर उसे जाना पड़ेगा। कहते राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कह नानक इस विपत्ति में एक एक रघुनाथ महाराज राम जो 14 कला संपूर्ण थे, उन्हें भी धरती की धरा से अपनी नश्वर काया को दज कर जाना पड़ा। और रावण के बारे में इतना ध्यान रखा उसने काल तक अपना कैदी बना रखा था, जब दरबार में बैठता था काल को पांव के नीचे रखकर बैठता था, लेकिन जब समय आया तो प्रभु कहते उसको भी जाना पड़ा। उन्हें कहा गया राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कह नानक इस विपत्ति में एक एक रघुनाथ। प्रभु जाना सभी ने है, कोई सदा के लिए इस धरती पर नहीं है और ना ही सदा के लिए किसी का साथ है। कहते दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए होते, जुलम भय रामा गजब भय। ये हंसों का जोड़ा आपस में जब मिलता है, विवाह बंधन में होकर सूत्र बंधन में बनता है, ना जाने कब टूट जाए कब चला जाए, दोनों में से कोई स्त्री चली जाए या पुरुष चला जाए, ये सदा के लिए साथ नहीं रहता किसी का। लिखा गया कोई आज गया कोई कल गया, कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी उस घर में फिर नहीं आना है, वो सोने वाले जा संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जा जरा संसार मुसाफिर खाना है। तो फिर भी कहते हैं कब किसकी बारी आ जाए ये नहीं पता, कब कोई संसार से पूछ कर जाए। प्राणी जब संसार में आता है, जैसे गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से एक नहीं अनेकों प्रश्न पूछे, अनेकों प्रश्न किए, श्री गरुड़ बताते हैं कि एक नहीं अनेक प्रश्न किए। लेकिन संसार में जब प्राणी आता है तो मुट्ठी बांध कर आता है और जाता है तो हाथ पसार कर जाता है। कहते मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध कर आता है, क्या लेकर आता है? स्वास्थ्य रूपी धन लेकर आता है। कितने समय के स्वास्थ्य लाया हो, एक वर्ष दो वर्ष, श्री गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में आता है कि प्राणी ऑटो या में 24 घंटे के अंदर 21,600 के करीब स्वास्थ्य लेता है। वह प्राणी जितने समय के स्वास्थ्य लाया दिखाकर प्रभु से धरती की धरा पर आया, एक वर्ष दो वर्ष दस वर्ष बीस वर्ष चार वर्ष सौ वर्ष जितने वर्ष के लाया लगाकर उतना प्राणी जो भोगता है और चल देता है। कभी कभी होता है कि प्राणी के स्वास्थ्य रह जाते हैं कि काया साथ नहीं देती, प्राणी लेट जाता है और स्वास्थ्य चलते रहते हैं। इसलिए प्रभु जी ने कहा कि प्रभु ये भी कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि गरुड़ जब प्राणी जैसे 9 महीने तक माता के गर्भ में जन्म लेता है उसके बाद घर में रहता है, इसी प्रकार 9 दिनों तक मृतक प्राणी के लिए उसके प्रणदान रोज होते हैं। प्रेमियों कहा गया है कि पिता एक माँ बच्चों के लिए पिता का साथ जितना है उसको बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन कहते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह कुछ और ही सोचते हैं। क्या माँ की महिमा सभी सुनाते मैं बतलाऊं क्या है पिता, माँ की महिमा सभी सुनाते मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ को कहते 9 महीने में कान में रखा माँ ने, लेकिन पिता ने क्या किया बच्चों के लिए ये मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको।
माँ की ममता झलक झलक कर सबको ही दिख जाती है, माँ की महिमा झलक झलक कर सबको ही दिख जाती है। प्यार पिता का होता है गूंगा दुनिया समझ ना पाती है, प्यार पिता का होता है गूंगा दुनिया समझ ना पाती है। कर सको तो महसूस करो तुम, कर सको तो महसूस करो तुम, नहीं दिखता ऐसा प्यार पिता। माँ की महिमा सभी सुना दे, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सभी सुना दे, मैं बतलाऊं क्या है पिता। पिता से ही तो माँ को अपना एक अलग परिवार मिला, पिता से ही तो माँ को अपना एक अलग परिवार मिला। पिता से ही तो माँ को माँ कहलाने का अधिकार मिला, पिता से ही तो माँ को माँ कहलाने का अधिकार मिला। माँ की बिंदिया और सुहार, माँ की बिंदिया और सुहार, ममता का आधार पिता। माँ की महिमा सभी सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सभी सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। सबकी जरूरत सबकी खुशियाँ, कहते सबकी जरूरत सबकी खुशियाँ, एक पिता ही देखता है। माँ को क्या चाहिए, पिता को क्या चाहिए, बहन को क्या चाहिए, भाई को क्या चाहिए, वो सबकी चीजें पूरी करता है, लेकिन अपने लिए फ्रेंड की बीमा लेता है, उसमें सारी उम्र निकाल देता है। अब हमारे मध्य ब्रह्म कुमारी संस्थान पटियाला से हमारे मध्य दीदी बधाई हैं। अब मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह यहाँ आएँ और अंतिम शोक सभा में श्रद्धांजलि दें। ईश्वर के बंदे कर ले, ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले, बाद में न पछताना। हरि कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। परम शिक्षक, परम रक्षक, परम पिता परमात्मा की प्रभु प्यारी आत्माओं, आज हम अपने प्यारे बाबू जी को सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इतनी सच्चाई है इस कथन के अंदर कि जो भी इस संसार के अंदर आया है उसे जाना जरूर है, चाहे राजा है, चाहे रंग है, चाहे फकीर है, सभी को ये पता जरूर है कि एक ना एक दिन जाना जरूर है। जैसे दुनिया के अंदर संसारिक यात्रा के अंदर तीन प्रसंग आते हैं, सबसे पहला प्रसंग है हमारा बच्चे का जन्म। बच्चे के जन्म की तैयारी भी आज के मॉडर्न ज़माने के अंदर पहले से ही होने लग गई है, पहले से ही सब कुछ पता चल जाता है, उसकी भी तैयारी हम पहले से करनी शुरू कर देते हैं। दूसरा प्रसंग है शादी, उसकी भी तैयारी पहले से शुरू हो जाती है, साल पहले, 6 महीने पहले। लेकिन जो तीसरा प्रसंग है मृत्यु का, क्या उसकी तैयारी हम पहले से करते हैं? अगर उसकी तैयारी पहले से की हुई हो तो मेरे ख्याल से जो इस कथन से हम अच्छी तरीके से परिचित होने के बावजूद भी डरते हैं, भयभीत होते हैं, दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं,
लेकिन अगर ये पता चल जाए कि असल में हम कौन हैं, कौन सी शक्ति है जो असल कार्य करने वाली है, क्योंकि हम सभी को पता है कि ये मिट्टी है, मिट्टी जो है मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन जो असल शक्ति है वो है चैतन्य शक्ति आत्मा। शरीर जो है पांच तत्वों का बना हुआ, पांच तत्वों में जाके मिल जाता है। अग्नि का हिस्सा अग्नि में मिल गया, वायु का हिस्सा वायु में मिल गया, जल का हिस्सा जल में मिल गया, पृथ्वी का हिस्सा पृथ्वी में मिल गया और आकाश का हिस्सा जाके आकाश के मिल जाता है। लेकिन एक चैतन्य शक्ति है, एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम बोलते हैं कि पंछी पखेरू उड़ गए, अर्थात असल में मैं क्या थी, ये तो मिट्टी थी, ये तो तेजो थी, नाशवान थी, जो असली पंछी पखेरू थे जो उड़ गए वो है चैतन्य शक्ति आत्मा, जिसको हमने जिंद कहा, प्राण कहा, रूह कहा, साधारण शब्दों में ये शब्द बोल देते हैं। जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर है, वो चैतन्य शक्ति इस शरीर के अंदर है, तब तक वो आंखों के द्वारा देख रही है, मुख के द्वारा बोल रही है, कानों के द्वारा सुन रही है, लेकिन वो शक्ति इस शरीर में से निकलती है, हम खुद ही बोल देते हैं अर्थी। अर्थी माना रथ तो है, लेकिन चलाने वाला रथी जो था वो उसमें से निकल चुका है, चला गया है। तो हे प्रभु प्यारी आत्माएं, जाना सबको है एक ना एक दिन, लेकिन किसी की मुसाफरी कितनी तो किसी की मुसाफरी कितनी तो किसी की कितनी है। क्योंकि बहुत सुंदर किसी ने कहा है, ये मुसाफिर खाना है, यहाँ सिर्फ थोड़े समय के लिए आत्मा जो है वो पार्ट प्ले करने के लिए आती है। जैसे किसी नाटक के अंदर रोल अदा करते हैं, जिसको जो रोल मिला है, किसी को राम का, किसी को रावण का, किसी को किसी का, तो किसी को किसी का, अपना पार्ट प्ले करते हैं और ड्रेस चेंज करते हैं स्टेज के पीछे जाके और अपने घर चले जाते हैं। इसी तरीके से हम आत्माएं भी इस सृष्टि रंग मंच के ऊपर सिर्फ पार्ट प्ले करने के लिए आई हुई हैं, रोल अदा करने के लिए आई हैं, किसी को माँ का, किसी को बाप का, किसी को बहन का, तो किसी को भाई का। अब ड्रेस चेंज करनी है और अपने घर जाना है। जो ड्रेस चेंज करनी है उसी का नाम है मृत्यु। मृत्यु का अर्थ ये है, एक ड्रेस और एक एड्रेस चेंज करना। एक वस्त्र छोड़ के आत्मा दूसरा वस्त्र पहनती है, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाती है। नाम ही है आना और जाना। लेकिन इस आने जाने के सफर में ऐसा कुछ कर जाएं, ऐसे कुछ हम कर्म कर लें जिसमें बाद में हमें पछताना ना पड़े। मैं ज़्यादा तो बाऊ जी को नहीं मिली, लेकिन जितना भी उनको मिली हूँ, दो तीन बार मिली हूँ जब पटियाला आए हैं, तो उनके उसी दो दिन में कहते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में अगर जानना हो, वो पहली छाप में ही सब कुछ पता चल जाता है, क्या उनका स्वभाव है, क्या उनके संस्कार हैं। और दूसरी बात, जो आगे उनके बच्चे हैं वो संस्कार उन बच्चों में दिखते हैं। तो हमारी पूजा बहन जी और शिवानी बहन हमारे पास पटियाला में जो रहते हैं, तो ये बच्चे जिनके संस्कार इतने ऊंच हैं, इतनी उनके अंदर भावनाएं हैं परमात्मा के प्रति, शुभ कर्मों के प्रति, तो ये माता पिता की ही देन है। तो ये पता चलता है कि बाऊ जी कितने ऊंच विचारों के थे, कितने ऊंच संस्कारों वाले थे। और वैसे भी रोल जो वो करते थे ना, जो भी उन्हें अभी अभी जैसे भाई साहब ने भी बोला, दशरथ के साथ कुशल्या का रोल अदा किया, लक्ष्मण का भी रोल अदा किया, हमें ये नहीं पता था, हमें सिर्फ इतना ही पता था कि रावण का रोल अदा करती है और बहुत बुलंद आवाज में बहुत अच्छे तरीके से वो पार्ट प्ले करते थे। जो भी पार्ट उनको मिला, जो स्टेज के ऊपर किया वो तो किया ही किया, लेकिन जो परमात्मा ने उनको रोल दिया हुआ था इस संसारिक यात्रा के अंदर, वो भी बहुत अच्छे तरीके से दोनों बेटों को, हमारे बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब को मैंने देखा है, बहुत चारों ही बच्चे गुणगान बहुत गुणी हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आत्मा को जब ये रियलाइजेशन हो जाती है, ये पहचान मिल जाती है कि असल में मैं ये हूँ,
तो फिर बाद में कोई भी दुख या चिंता या पछतावे की बात नहीं रहती। आत्मा अपनी जागती ज्योत बुद्ध है, इसीलिए कहते हैं कि ज्योत जो है ज्योत में जाके समा जाती है, क्योंकि परमात्मा भी हमारी तरह ही ज्योत है, लेकिन वो परम ज्योत है। आप देखिए, मंदिर में चले जाइए, जितना मर्जी बड़ा जागरण कर लीजिए, लेकिन जब तक ज्योत नहीं प्रचंडित करते तब तक वो जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता। गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ भी ज्योत जगाई गई। मस्जिद में जाते हैं, वहाँ चिराग जलाया गया। चर्च में जाते हैं, वहाँ कैंडल जलाई गई। है तो ज्योत का ही रूप। भूल करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अर्थात तू ज्योत है, हे इंसान, हे आत्मा। असल में जब अपने आप को पहचानेगी तब उस परम पिता परमात्मा से सर्व संबंध निभा के प्राप्तियाँ ही प्राप्तियाँ कर सकती हैं। तो जाने वाली आत्मा हमें यही प्रेरणा देती है कि आना सबको है, एक ना एक दिन वहाँ ज़रूर आना है सबको। इसीलिए जब जाते हैं अर्थी के साथ साथ, तो एक गीत गाते हैं, शब्द गाते हैं, राम का नाम सत्य है भी, राम जपो भी राम जपो, और आना यहाँ सभी को है। तो कुछ ऐसा कर जाएं, क्योंकि इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है, कब ये सांसें रुक जाएं। जैसे एक क्रिकेट के खेल में क्या होता है, ना तो गेंदबाज को पता होता है, ना ही बल्लेबाज को पता होता है कि कौन सी बॉल आखिरी बॉल है, किस पे मैं आउट होने वाला हूँ। इसी तरीके से इन सांसों का भी कोई भरोसा नहीं है। वो सुंदर कहा किसी ने, इन सांसों का क्या है भरोसा, इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथी छोड़ दे, जाने कब ये साथी छोड़ दे, इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये हाथी छोड़ दे, जाने कब ये साथी छोड़ दे, जाने कब ये हाथी छोड़ दे। यही अरदास, यही दुआ, यही शुभभावना, शुभकामना रखती हुई पिता का दर्जा तो पूरा नहीं किया जाता, उस स्थान को तो हम भर नहीं सकते, लेकिन उनकी जो आशाएं हैं, उनकी जो प्रेरणाएं हैं, उनको आगे बच्चे पूर्ण करें, यही उनके प्रति सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। शोक संदेश एक ब्रह्मनाट्य मंडल का आया है, और एक शोक संदेश मंदिर श्री भजन भवन का
एक शोक संदेश रामा कृष्णा नाट्य मंडल का आया है, श्री भंडारी मंडल का समर्थी शेष श्री राजेंद्र कुमार राणू जी गत 13 नवंबर 2023 को इनका निधन हो गया जलंधर छावनी में। एक योग्य और कर्मठ व्यक्ति को हमने खो दिया। वह बरसों से श्री भंडारी मंडल जलंधर छावनी से जुड़े रहे। उन्होंने उस प्रत्येक दायित्व को सहर्ष स्वीकार किया जो कार्य उन्हें सौंपा गया। उन्होंने यह पूरा किया मंडल के यदा उनके कार्य को सदा याद रखेगी। उनके द्वारा श्री रामलीला में उनके अभिनय जो जो उन्होंने किया बुलाया नहीं जा सकता। ना सिर्फ राजेंद्र राणू जी अपितु उनके समस्त परिवार का सहयोग है। उनके योगदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसी बहुमुखी प्रतिभावान और शख्सियत को चले जाने से मंडल की बहुत हानि हुई है। उनकी भरपाई करना असंभव है। इस दुख व पीड़ा की घड़ी में श्री भंडारी मंडल समस्त पदाधिकारी एवं परिवार के साथ हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह जहाँ दिगंबर आत्मा को अपने चरणों में सर्वोत्तम स्थान प्रदान करना व परिवार को पहुंची असहनीय पीड़ा को सहन करने का सबल प्रदान करना। ओम शांति शोकाकुल प्रधान एवं समस्त कार्यकारी सदस्य मंदिर श्री बजरंग भवन प्रबंधक कमेटी शोक प्रस्ताव। आप यह जानकर बहुत दुख हुआ कि गत दिनों श्री राजेंद्र राणू जी अपनी संसारिक यात्रा को पूर्ण करके प्रभु के चरणों में विलीन हो गए। इस दुख की घड़ी में गत दिनों में मंदिर श्री बजरंग भवन में उनकी आत्मा की शांति के लिए सभा बुलाई गई जिसमें सब सदस्यों को बहुत दुख व्यक्त किया और इस दुख की घड़ी में परमात्मा उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और परिवार में सुख शांति रहे। प्रधान भूषण अग्रवाल और एचआर मॉडल स्कूल प्रिंसिपल मेहता जी कीर्ति भूषण मेहता जी शोक संदेश में उनका एक शोक संदेश आया है, लेकिन समय का अभाव होने के कारण मैं नहीं पढ़ रहा। वो कहते हैं जो सदस्य संसार में आया उसे जाना है। कहने को तो बहुत कुछ है, एक घंटा बहुत थोड़ा है। अगर मैं सुबह से बोलना प्रारंभ करूं तो शाम हो जाएगी बल्कि रात हो सकती है। उनकी अच्छाइयों के बारे में श्री राजेंद्र राणू की अच्छाइयों के बारे में बताना बहुत कुछ है। हमारी दीदी जी ने भी बहुत कुछ उनके बारे में कह दिया और हमारे अब मैं पहले गरुड़पाण के पाठ का भोग डालूंगा, उसके बाद फिर भूरी प्रशंसा। ओम शांताकारं भुजं क्षणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाङ्गं श्रीलक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भव्यानं सर्वलोकैकनाथं मंगलं भगवान विष्णुं मंगलं भगवद्भ्यः मंगलं पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय तनोरि बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो गुरु जी महाराज की जय। ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो भगवान। अपने जीवन के पूर्ण जो वर्ष हैं बिताए हैं वो एक फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। उनका जो सहयोग रहा है हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड के एक्स वाइस प्रेसिडेंट श्री सुरेश जी शेषी, इनके साथ भी उन्होंने जो है फुटबॉल की टीम में भाग लिया और उस समय के ये माने जाने खिलाड़ी थे। उसके बाद श्री राम नाट्य मंडल में मेरे को मौका मिला और मैंने ही इन्हें
अपने साथ लक्ष्मण की भूमिका के लिए चयन किया और तब से लेकर आज तक ये अनेक भूमिकाएं निभाते रहे। मेरा इस परिवार से एक गहरा नाता है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि परमपिता परमात्मा मेरे परम मित्र को अपने चरणों में स्थान दे और इस परिवार को ये दुख सहने का मौका दे। मैं जलंधर छावनी के जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए हैं उनकी तरफ से इस परिवार को ये वचन देता हूँ कि वे सब दुख की इस घड़ी में आपके साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ इस आप सभी का इस परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूँ जो इस दुख की घड़ी में यहाँ उपस्थित हुए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे Krishna Krishna Hare Hare